तो हेलो दोस्तों, मैं भी जिसमें आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, दोस्तों हम लोग एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए एकदम प्रैक्टिस क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। एकदम मैथ का ये वीडियो है, ठीक ना। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एकदम अपन अंदाज में, ठीक ना। एकदम अपन अंदाज में इसको पढ़ेंगे, ठीक ना। अपने अंदाज में देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है संख्यापति का, पहला क्वेश्चन है, ठीक ना। संख्यापति के पढ़ते रहिए हमने के, ठीक ना। एकदम ध्यान दे देवे के बाद पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए कि ए बी सी किसी वृत्त जिसकी परिधि 600 मीटर है, ठीक ना। एक वृत्त है जिसकी परिधि क्या है, 600 मीटर है, का चौकर, तीन लोग हैं ए बी सी, का चौकर 150 120 100 मीटर प्रति मिनट की गति से लगाते हैं, तो तीनों कब एक साथ मिलेंगे। यानी कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक, इस पर तीन लोग दौड़ रहे हैं ए बी सी, और तीनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। एक की गति 150 है, 120 है, 100 है, तो तीनों कब एक साथ मिलेंगे। और तीनों एक साथ दौड़ रहे हैं, तेज दौड़ रहा है कोई, धीरे दौड़ रहा है, तो कब एक साथ फिर मिलेंगे, ठीक। भोजपुरी में सुना जा, ये वो वृत्त बा, ठीक, वृत्तकार परिधि बा, ऊपर तीन आदमी दौड़ता, एगो 150 से दौड़ता है, एगो 20 से, एगो 100 से दौड़ता, ठीक ना। तो तीनों कब आपस में मिलिए सन, ये पूछा था क्वेश्चन में, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन को किया जाए दोस्तों। देखिए तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो दिया है, दूरी दिया है, परिधि दिया है, परिधि 600 में तीनों से भाग दे देंगे। ए कितने स्पीड से दौड़ रहा है, 150 से, बी कितना से दौड़ता है, 120 से, सी कितना से दौड़ता है बताओ जा कमेंट करके, ठीक है। सी दौड़ता 100 से, सी दौड़ता 100 से, तो इससे भाग दे देंगे, इससे भाग दे देंगे, ठीक। तो 0 से 0 15 चौके 60, 0 से 0 खत्म, आ 12 से 12 25 60, आ 0 से 0 खत्म, आ 10 से 10 छके 60, भाग हो गए ना। वीडियो अगर बढ़िया लगी तो सपोर्ट करो जा भाई के, ठीक ना। एकदम सपोर्ट करिए अपने दोस्तों तक, शेयर भी जरूर कीजिए। देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया कि परिधि दिया है तो भाग दिलिए, लेकिन अगर परिधि नहीं दिया रहता तब क्या करते। तो बस अगर परिधि नहीं दिया रहता ना दोस्तों, तो इसको एलसीएम ले लीजिएगा। क्या क्या ले लीजिएगा, एलसीएम अगर ले लेंगे, लसा ले लेंगे, जैसे हमने के भोजपुरी में कह जाला लसा फस, लसल जे लसा, जे लसा कैलस उ फस गए, ठीक ना। तो लसा फसल ले लेके रह कर लसा एलसीएम, ठीक ना, ले लेंगे अपने मन से कोई भी। अगर नहीं दिया रहता परिधि, लेकिन दिया है, तो अब कह रहे हैं कितने समय बाद वो मिलेंगे, तो इसको गुणा कर दिए, 5 चौके 20 है, 20 छके 60, यानी 60 मिनट बाद वो तीनों एक साथ मिलेंगे, ठीक। तो दो क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों, दो क्वेश्चन याद रखा जा कि परिधि देले रही तो हेंगे नही, आ ना देले रही तो एलसीएम ले लिया जा, ठीक ना। अगला दूसरा क्वेश्चन, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों एग्जाम में, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, एकदम आने की संभावना है, ऐसे ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लीजिए, ठीक। एकदम जबरदस्त तरीका से देखते रहिए दोस्तों। अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर रहा है, ठीक ना। आज के आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये दूसरा क्वेश्चन रहा दोस्तों, लो जाए एकदम नया स्टाइल में पढ़ा जा। लो एकदम नया स्टाइल में, देखो नया स्टाइल में, तो हम लोग समय बचावे खातिर हेंगे पढ़ा हो जाता, ठीक ना। तो हम लोग समय बचावे खातिर हेंगे व्यवस्था कर ले बनी, देखा कितना बढ़िया स्टाइल से बनैले बनी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि 2/7, 3/13, 5/6 का अवरोही क्रम। अब देखिए बहुत लोग, बहुत आदमी भुला जाला कि अवरोही और अवरोही के कह जाला। आरोही योग होता है, क्या होता है, एक होता है आरोही और एक होता है अवरोही, ठीक ना। दोनों के मतलब क्या होला, बहुत लोग आदमी भुला जाला, देखे हम बताओते हैं एकदम स्टाइल में, ठीक। आरोही का मतलब पहाड़ याद रखिएगा, आरोही का मतलब पहाड़ याद रखिएगा, पहाड़। पहाड़ पर क्या चढ़ते हैं, किस तरह चढ़ते हैं, छोटे से बड़े कदम लगाते हैं, यानी नीचे से ऊपर जाते हैं पहाड़ पर। तो पहाड़ पर नीचे से ऊपर यानी छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, ठीक ना। एकदम याद रखिए, एकदम दिमाग में घुसा लो जा, ठीक, एकदम दिमाग में घुस जाके चाहिए कि आरोही का मतलब छोटा से बड़ा होला। और रोही अब मान पहाड़ पर चढ़ गई, के चढ़े ले पड़े तो नहीं लोग जानते जा। तो पहाड़ पर चढ़ गई तो कहो कि आवा 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 जानू आवा आवा, ठीक, जानू ना मतलब समझिए जा, ठीक। तो और वही देखे में का दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ओ आवा 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 आवा, कोई पहाड़ पर चढ़ गया तो बुलाओगे आवा आवा आवा, मतलब ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, ठीक ना। जे के चढ़ेले बढ़ जाए तो ऊपर से नीचे आए, यानी बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, ठीक ना। बस एक लाइन में याद रखिए कि आरोही मतलब पहाड़, पहाड़ पर छोटा से बड़ा, ठीक ना। कोई चढ़ गया तो उसे बुलाओगे आओ आओ आओ, ठीक।
तो उसको क्या क्या इसमें खोजोगे बड़ा से छोटा, तो इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि ऑप्शन की जरूरत नहीं है। 2/7, 3/13, 5/6 को अवरोही क्रम में करना है। तो अवरोही मतलब आव, यानी बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। आव मतलब ऊपर से आएगी नीचे, तब बड़ा से छोटा ही हुआ ना, तो बड़ा से छोटा, तो इसमें बड़ा खोजेंगे। तो 13 × 26 आ 7 × 21, 3 × 6 गुणा कर दिया जाए एकदम आज ही, ठीक ना। 13 × 26 आ 17 × 21, तो इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा ये है, तो ये नहीं होगा, ठीक। अब इन दोनों में तुलना कर लीजिए, ठीक। 6 × 12 आ 7 × 5 = 35, हई बड़ा बा, तो सबसे ज़्यादा बड़ हई बा, ओकरा बाद हई बड़ बा, ओकरा बाद हई बड़ बा, तो अवरोही क्रम में कहता। तो यानी 5/6 पहले रहेगा ऑप्शन में, उसके बाद 2/7 रहेगा, उसके बाद 3/13 रहेगा। एकदम जबरदस्त तरीके से एकदम समझ में आ गई, तो हम लोग एकदम दिमाग में घुस गए होगी। आज के बाद अवरोही और ये अवरोही मत भूलिए जा, क्योंकि चढ़ा दे जाए अपन लेके, ठीक ना, चढ़ा दे जाए फिर बोले जा आओ आओ, ठीक, एकदम याद हो जी, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर एकदम नया अंदाज में देखा पढ़ाओ तो नहीं, ठीक ना। तोहन लोग खातिर इतना मेहनत करते एकदम जबरदस्त, तोहन लोग खातिर इतना व्यवस्था कर ले बने, ठीक ना, एकदम डिजिटल बोर्ड लेखा लौकता। चलो एकदम लास्ट तक वीडियो के देखा जाए, देखा तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पूजा, लो पूजा आ गई, कौन पूजा, पूजा पूजा कोई नाम के कोई लड़की हुई, ठीक। तो पूजा के पास 270 सिक्के हैं, पूजा के पास कितने सत्तर हैं, कितने सिक्के हैं, 270 सिक्के हैं, रुपए नहीं, 270 रुपए नहीं, 270 सिक्के। दिमाग में घुसा ला जाए कि क्वेश्चन के क्या कहता है, ठीक ना। 270 सिक्के हैं, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या की दोगुनी है, जो नहीं, 5 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है, कितनी गुनी है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या की दोगुनी है। अब काहे ही नहीं तीर बनानी है, अच्छा ये बताओ जा, राम के पास श्याम से, चाहे राम श्याम से 5 वर्ष बड़ बा, कौन बड़ बा, ध्यान सुनो जा, राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है, तो रामे ना बड़ा है, यानी शुरू में क्या नाम लिया, राम नाम लिया, और राम श्याम से 5 वर्ष छोटा है, कौन छोटा है, रामे छोटा है, यानी जौना के पहले नाम लिए वे बड़ भैल वे छोट भैल। तो मैं कहता कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या के दुगुनी है, तो कौन दुगुना बा, जौना के पहले नाम ले ले बा 5 रुपये, ये दुगुना बा, नहीं के समझ होता एकदम भोजपुरी स्टाइल में समझ जाए, ठीक ना, कि जौना के पहले के नाम ले ले बा वे बड़ बा, ठीक ना, तो यही दुगुना है, यही क्या है, दुगुना है। आगे आगे बढ़िए, यह के तनि कम ध्यान दिया जाए, ठीक ना। तो अब हवलदार के नौकरी निकल ना, तो एक पीछे भगब जाए तो काम गड़बड़ हो, ठीक। तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3/2 दुगुनी है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3/2 दुगुनी है, बताओ जा, तीर हेने लगाई कि हेने लगाई, कौन पहले का नाम ले लेबा, पहला कौन का नाम ले लेबा, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, यानी यही के हाँ ये 3/2 गुना बा, 3/2 गुना बा, एकदम स्टाइल में समझ आ जाए एकदम बढ़िया से, ठीक ना। अब बस ये मान लिए ना, तो अब कर लीजिए कोई भी, अगर इसको एक कहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, चाहे इसको एक्स कहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, अगर ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, 3x/2 हो जाएगा, ठीक ना। इसको गुणा कर लीजिए, 2 से 2 × 4x, 2×1 = 2x, हाई हो गए 3x, नीचे 2 बार लिख, मतलब यानी कि एक नीचे 2 बार लिखा चाहे मत लिखो, एलसीएम ले लेनी है, ठीक ना, इसके नीचे 2 है, लिखिए चाहे मत लिखिए एकदम याद हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, ये क्या माने हैं, क्या मानने पड़ जाए, पैसा की रुपी, पैसा की सिक्का, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, ये सिक्का माना लगे बा, क्या माना लगे बा, सिक्का, आ कुल दू कौ सिक्का बा, 270 सिक्का बा, तो एक मतलब कि 4×x, 2×x और 3×x जोड़े के तो 270 आ जाए, तीनों को जोड़ने पर 270 आ जाएगा, 4×2 = 6, 6×3 = 9x = 270, एक्स निकल पा जाए तो 9 से क्या हो जाए, भाग हो जाए, अरे दोनों के बीच में गुणा बा तो 9 से भाग हो जाए, भाग मतलब भागना जी, भाग हो जाए, भाग भाग भोजपुरी में भाग ला के मतलब दूसरे हो जाए, ठीक ना। तो एक्स निकाले के तो 9 कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो 9×3 = 27, एक्स का मान कितना आ गई, 30, एक्स का मान 30 आ गया ना। तो क्या पूछ रहा है कि कुल राशि बताइए, अब कुल सिक्का तो दे ही दे बा, कुल राशि पूछता, ये बताओ जा, 2x अगर 5 रुपये के 2×4 सिक्का हो तो कुल कौ रुपया हो जाए, गुणा कर दे बजा ना, अरे 5 रुपये के नोट चाहे 5 रुपये के सिक्का अगर तार लगे 3 हो तो कौ रुपया बा, 15 रुपये बा ना, तो वही 5 रुपये के अगर 5 रुपये के सिक्का अगर
हाँ 5 रुपया के सिक्का अगर 4 गो बा तो गुणा कर देब तो कुल राशि मिल जाए, पंचो के 20 गो एक्स। 2 रुपया के अगर 2 गो एक्स गो सिक्का बा तो 2 दूनी के 4 गो, यानी तारा लगे 1 रुपया हो जाए 4 रुपया। आ हेजे देखो हेजे तो एल्शन ले लो ना, कुल राशि पूछ रहा है ना तो कुल राशि जोड़ लीजिए, हेंगे कोयला के जोड़ते नहीं के। देखो कुल राशि पूछ रहा है ना तो 4 गो और 2 6 गो, 6 गो 3 गो 9 गो एक्स, कितना ना 9 गो एक्स। कुल राशि के मतलब 9 गो एक्स बा तो 9 गुड़े एक्स के मान रख दीजिए कितना आएल बा, 1 मिनट 270 बा ना सिक्का कुल पहले भी सही कर रहे थे ठीक ना, पहले सही कर रहे थे दोस्तों हम कन्फ्यूज आ गए ठीक ना, क्योंकि ये बीच में 3 गो लिखा गया रहो उसे कन्फ्यूज आ गए नहीं आ वही ना, पंचों के 20 गो एक्स, 2 से 2 में 2 दूनी के 4 गो एक्स, कुल राशि निकल था 2 रुपया के 2 गो एक्स है, जैसे पहले समझ ले रहे सही रहा जिस तरह पहले समझाए थे वही सही था ठीक ना। आ 1 रुपया है एक ना लौकत रहा हमारे अंखिया भड़क गए रहा है हमारा ध्यान हिजे रहा ठीक ना, तो एक रुपये के 3 गो तो 3 एक्स कितना सिक्का हो गई, कुल कर लीजिए 20 24 3 27 एक्स, 27 एक्स, 27 गो एक्स गो कुल राशि आ गया, एक्स का मान कितना आएल बा 30 आएल बा, 27 गुणे 23 27 3 81 कितना हो 321 3 1 6 7 8 810 रुपया कुल राशि आ गई, समझ में आया ठीक। अब ध्यान है भेज रही तो कहाँ से सवाल आई आई कब वह तो कहा था कि कम ध्यान द जा, ध्यान हेज देवे के बाद चलो अगला क्वेश्चन दिखे जाए, देखो अगला क्वेश्चन दिखे जाए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर रहा, 5 लाख रुपए के लिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर रहा 5 लाख रुपए के लिए, 5 लाख रुपया हमारे लगे बा ना बस झूठ बोलते नहीं तो लोग पढ़े में मन लगावे खातिर ठीक ना, लेकिन अगर रही तो दे देम 5 लाख रुपए के लिए। चौथा क्वेश्चन देखा जा एकदम ध्यान से, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि इतने का मान बताइए ठीक ना, तो 1/3 + 1/4 कोष्टक में 2/5 - 1/2 इसको हल करना है नीचे क्या है तो एक इसको गुणा कर दीजिए 10/10 तो सोच के 3 के 5 एक बार पढ़ दो 3 और 3 में 2 जोड़ दो 5 तो 5/2 हो गई ठीक ना। आप लिखल बा 3/4 लिखल बा ये -3/4 लिखल बा, आप लिखल बा 4/5 लिखल बा, क्वेश्चन एक बार मिला लीजिए जा मिला लीजिएगा एक बार क्वेश्चन, कहीं के लिखने में कहीं गलती नहीं ना हो गया न तो बाद में सो रो नहीं हमने के पछताए के ठीक, तो इसको कर लिया जाए दोस्तों खा के ध्यान तो हमने के हेजा बा हेजा ध्यान बा तो कहाँ से आई, तो इसको गुड़ा कर लीजिए, देखिए यहाँ पर गुड़ा है तो गुड़ा कर लीजिए 1/4 से, चाहे इसको पहले अंदर वाला हल कर लीजिए, अंदर वाला हल कर लो जाए, अंदर वाला मतलब अंदर वाला सवाल हल कर लो जाए ठीक ना, 1/3 + 1/4 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 के 5 में 10 को बार 2 बार 2 2 2 2 4 है जी, 2 5 10 5 के 5 1 बार 5 1 में 5 है जी, माइनस में आ गई पहले ही चलो ठीक बा। देखो जी सबसे पहले इसमें क्या करते हैं आफ करते हैं, क्या करते हैं आफ के मतलब गुड़ा, तो गुड़े कर दो जाइए कटा तक नहीं हो कटा तो नहीं कहता 5 3 15 हो जी, 2/4 हो जी, ये कटाता हाँ 4 से 4 खत्म 3/5 हो जाए 3/5 यहाँ तक ठीक है, इसको कर लीजिए 1/3 + -1 हो जाएगा ना, 4 में से 5 घटी तो कितना हो जाए -1, तो -1 से 1 में उड़ा करके तो -1 हुई, 4 के 5 10 बस 4 धाम में 40 हो गई। अब कब हेंगे तो देख ले नहीं जा इस तरह तो कभी होता नहीं तो अभी माइनस है जा जी, तो प्लस से क्या हो जी माइनस हो जाए ठीक ना, बट्टा में अब है के एल्शियम ले जा, एल्शियम लेवे के तो 40 हो जाए 8 के 5 में 40 5 बार और 5 के 5 में 15 5 से 15 में गुड़ा 75 हो जाए, कुछ नहीं के बजाय तो तीछा तीछे गुड़ा कर दो तो 15 5 75 8 3 24 ठीक ना। अब यहाँ पर भी तीछा तीछे गुड़ा तो 40 से 1 में गुड़ा 40 और 3 से 1 में गुड़ा 3 तो 40 - 3/40 120 ठीक ना, 3 और 40 के एल्सियम ले लिए तो 40 से 1 में गुड़ा 40 3 से 1 में गुड़ा 3 और नीचे हो जाएगा 3 से 40 में गुड़ा 120 ठीक ना। अब यहाँ पर यही के पलट था 40 कुछ बड़का बाटा है ना तो भाग नहीं के बताओ तो 40 ऊपर ले जा, भाग दिने नहीं खेब 40 ऊपर और है 75 में से 24 घटा दीजिए तो 75 में से 24 घट जाइए तो कर रुपया बच जाए, देखिए गलती मत घटे जा
सात में से दो कटो पाँच, 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक ना। हाँ ठीक 51, इसको घटा लीजिए 40 में से 3 घटा तो कितना हो जाएगा 37 बट्टा में 120 गुड़े 40 बट्टा में 51 जीरो जीरो खत्म। 4 3 12 अब कर लीजिए, कहीं कट रहा है 37 3 सात 21 नहीं है कटो तो ऑप्शन में है 37 बट्टा 3 के में 3 ऑप्शन गलती लिखा है ऊपर क्या बचा 37 बट्टा में 3 से 3 के में 3 3 पचे 15 153 देखा ये 5 छूट गई ऑप्शन में 153 बी ऑप्शन होगा, क्या होगा बी ऑप्शन होगा, ठीक ना बी ऑप्शन होगा सही किया गया है बी ऑप्शन होगा। ठीक अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन अभी जबरदस्त तरीके से ठीक ना लो जाए एकदम खोल देनी एकदम जो जोगाड़ बनैल रहने खोल देनी देख ला जाए सब क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन एकदम जबरदस्त तरीके से है। देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो इतने 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 को विभाजित करेगी और प्रत्येक स्थिति में समान शेष देगी। लिख के ले लो जाए एगो क्वेश्चन आई अभी बड़ी छोटी वाला एकदम कन्फ्यूज करेला एगो क्वेश्चन आई तो हम लोग के एग्जाम में दुई गो आ सकेला ठीक ना। ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। नियम तरीका मैं बता दे रहा हूँ पहले किस तरह होगा। बड़ी से बड़ी कही ना तो बड़ी से बड़ी मतलब एच सी एफ हाइएस्ट कामन फैक्टर एच सी एफ एच सी का वाला हाइएस्ट वाला हाइएस्ट मतलब बड़ा तो कभी भी बड़ी से बड़ी कही तो एच सी एफ निकाला जाला मसल निकाला जाला का निकाला जाला मसल निकाला जाता है एक मसल निकालना है तो किस तरह का नहीं है 4 7 कुछ शेष तो दिले नहीं के ये है तो इस समय से घटा लेंगे इतने को ठीक जितना आ जाए फिर यहाँ पर जितना आएगा ठीक घटा लीजिए 13 में से 7 करता 6 3 में से 9 घटा 9 13 में से 9 घटा 9 4 13 6 में से 4 घटा 2 गो लो छोटे में से बड़ घटावे लगा तेने ठीक ना। अभी बड़ा है ना वो बड़ा है तो इसको पहले इधर लिख लीजिए 97 74 97। अगर एग्जाम में आ जाए तो इसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन से भी कर देंगे पहले मैं बता दे रहा हूँ इसको ठीक ना। घटा लीजिए इसको कितना हो जाएगा 43 7 में से 3 घटा 4 9 में से 4 घटा 5 7 7 14 4 2 6 इतना आ गई फिर इतना है ना तो फिर इसको घटा दीजिए इसमें से इसको घटा दीजिए यानी 87 21 में से 74 97 घटा दिए ये घटाएंगे ना कुछ आएगा फिर अब इसमें से इसको घटा दीजिए पहले इन दोनों को घटाएं आपस में फिर इन दोनों को आपस में घटाएं फिर हेके और हेके लास्ट वाला के और पहले वाला के घटा देके 8 7 2 1 -4 7 3 4 7 4 3 घटा देंगे तो कुछ आएगा। तो देखिए जो घटाने पर ये आए इसी को ए सी एफ निकाल दीजिएगा मौसा निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या इतना करने जाएंगे बस आप ऑप्शन से कर दीजिए दोस्तों एकदम ऑप्शन से कर देंगे ऑप्शन से कर पर जाए एकदम आसान हो ठीक ना। देखिए कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या जो इतने से विभाजित करेगी और प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचेगी अब 136 लोग होता 136 लोग होता सबसे बड़े में कौन लोग होता 306 तो 306 के चेक कर लो जाए 306 से भाग देला पर तीनों कट जाएगा चाहिए ठीक ना तीनों कट जाना चाहिए। अब 306 से मत भाग दे जाए 306 के भी तोड़ लो जाए क्या हो जाए 306 के तोड़ को तो 153 गुड़े 2 हो जाए 2 3 6 2 5 10 2 1 3 153 एहू के तोड़ लो जाए 2 गुड़े 17 9 153 ल 306 से भाग देला के जरूरत नहीं है 9 से भाग दो 9 से भाग देला पर जो कट जी हुए तारे सौ हो जी 9 से भाग देने का नियम क्या होता है सम ऑफ डी सब अंक के जोड़ दो अगर 9 के पाने में आई तो कट जाए ठीक ना। तो 4 7 11 11 4 15 15 3 8 इधर 9 से कट जाता 7 4 11 11 9 11 को 9 को 20 को 20 27 इहू 9 से कट जाता फंसा दिला पूरा बढ़िया से 8 7 15
अब 15 एक 16 17 17 एक 18 यो नौ से कट रहता ल और तरह सु। लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसा ही आएगा ना कि बस एक वही आपसे 9 से कटत हुई कब तो बार के आगे बढ़ जाएगा ठीक ना। देखिए अब ये 9 से तीनों कट जा रहा है, अब 17 से चेक करेंगे कि 17 से कौन कौन चेक कट रहा है। तो 17 से इसको भाग दे दीजिए, देखिए 17 से भाग दे देंगे 4 7 4 3 को, तो 17 2 34 तीन बचल एक बचल ठीक ना। फिर 4 17 9 153 17 7 119 9 5 14 दो में से एक घंटा ले एक, फिर 17 9 153 कट गया ना, ये कट गया 17 से ही कट गए। 17 से अब इसको चेक करेंगे 74 97 को, 74 97 को आपने को नियम से मैंने बता दिया, ऑप्शन से बता रहे हैं। तो 17 से इसको कट करेंगे तो ये भी कट जाएगा ठीक ना, कट जाना चाहिए। 17 24 77 71 72 75 76 68 छः कट पीट 17 17 74 71 72 77 78 फिर 1 17 67 यू कट गई, ये भी कट गया 17 से ठीक ना। 17 से इसको भी भाग देंगे तो 17 2 34 77 71 72 77 85 85 86 87 दो बचल दो जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो 17 2 34 17 17 5 5 बचल 51 17 51 तीनों ऑप्शन 17 से कह जाता है, यानी यही ऑप्शन हो जाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा। और ये वो ध्यान दिया जाए छोट खाने बात है चूँकि देखो 306 बा 153 बा 153 306 के पारा में आवेला, यानी 153 से ही ऑप्शन कट जाए, 153 से ही ऑप्शन कट जाएगा। तो अगर आप 153 अगर पहले ऑप्शन दे दी ओके चेक कर देवे तो ओके मत मरिए जा, काहे ना मरिए जा, काहे कि कहता बड़ी से बड़ तो सबसे बड़ा ऑप्शन लो, बड़ा ऑप्शन कौन लोग कहता है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों एकदम आपके लिए मेहनत किया जा रहा है ठीक ना, एकदम अच्छे तरीके से आपका समय बचाने के लिए मैं बोर्ड पर भी लिख रहा हूँ और समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करने के लिए शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।